अभी तक आपने गुल्ली बुली श्रापित मंदिर और इविल नन का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख ले, नहीं तो ये आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गुल्ली बुली सॉन बाबा से मिलने उनके घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बाबा उनसे कहते कि आज मैं तुम लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी मंदिर दुर्गा माँ के मंदिर ले जाने वाला हूँ, जिसके लिए वो अपने ड्रैगन तूफान को बुलाते हैं, जिसपे ये लोग बैठ के निकल जाते हैं दुर्गा माँ के मंदिर के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद बाबा कहते हैं, गुल्ली बुली ये है दुनिया की सबसे पुरानी दुर्गा माँ का स्थान और यहीं पर मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे दुनिया की कितनी भी काली शक्तियाँ हो वो मेरे से नहीं जीत सकती हैं। बाबा वहाँ से तूफान को जाने के लिए बोलते हैं और तभी वहाँ पर इविल नन और मिस्टर मीट आ जाते हैं। इविल नन बाबा के सामने आकर खड़ी होकर कहती है कि तुम चारों में से मुझे एक कोई चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है और मुझे उसकी भूख मिटानी है। तभी बाबा उसको अपने शील्ड से कैद कर देते हैं और कहते हैं, तुम आई थी हमें खाने, अब तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिर नन बोलती है कि तुम में इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम मुझे कैद कर सको, लगता है तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो और तुम क्या कर सकती हो मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन तुम अब इस शील्ड से नहीं निकल सकती हो। अब चाहे जो हो जाए, शील्ड के अंदर तुम्हारी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम मर जाओगी। गुल्ली बोलता है, बाबा बाबा आपने तो बोला था यहाँ कोई नहीं आ सकता है और यहाँ सिर्फ आप ही ध्यान लगाते हैं, तो फिर ये कौन है और कहाँ से आई है? गुल्ली, मुझे भी नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अब ये कहीं नहीं जा सकती है और अब ये यहीं मर जाएगी। तभी गुल्ली बोलता है, बाबा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब दुर्गा माँ का मंदिर है तो यहाँ पर ये काली शक्तियाँ क्या कर रही हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सोन, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, जहाँ पर अच्छाई होती है वहीं पर थोड़ी मोड़ी बुराई भी होती है और जिसको खत्म करना माँ दुर्गा के हाथ में होता है, तो ये सब छोटी मोटी काली शक्तियाँ हैं जिनको दुर्गा माँ यूं खत्म कर देंगी। दुर्गा माँ के पहले मैं ही इन्हें खत्म कर दूंगा और अब कोई नहीं बचेगा। बीच में मिस्टर मीट आ जाता है और आते ही बाबा को जोरदार एक लात मारता है और बाबा दूर जाके गिर जाते हैं। इधर नन भी शील्ड की शक्तियों को खत्म कर देती है और शील्ड से बाहर आके कहती है, ये कौन था और इतनी बकबक कर रहा था, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सी शक्तियां हैं और ये कौन सी शक्तियों की बात कर रहा था, क्योंकि तो एक लात में ही ढेर हो गया, ये क्या हमसे लड़ेगा मिस्टर मीट। हाँ हाँ इविल नन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है और क्यों इतनी बकबक कर रहा था, तो अच्छा हुआ इसका काम खत्म हुआ और अब इन तीनों की बारी है, इन तीनों में से पहले मैं किसको मारूं इन लोगों से ही पूछना पड़ेगा, तो बताओ तुम तीनों में से अब कौन मरना चाहता है और कौन मेरा भूख मिटाएगा। मिस्टर मीट की इतनी बातें सुनने के बाद तभी गुल्ली बोलता है, अरे यार बुल्ली और सोन, अब हमारा क्या होगा और अब हम यहाँ से कैसे बच के जाएंगे, ये दोनों तो मिलके हमें मार के खा जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें और कैसे बचे इन लोगों से। तभी बुल्ली बोलता है, अरे यार गुल्ली डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अभी जहाँ हैं वहाँ हमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दुर्गा माँ के मंदिर में खड़े हैं और दुर्गा माँ की शक्तियों से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं है, तो तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी हमारी मदद करने के लिए दुर्गा माँ किसी ना किसी को जरूर भेजेंगी। सुनने के बाद इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है, हा हा, ये देखो अब ये बच्चे भी हमसे मजाक करने लगे हैं, क्या तुम तीनों को लग रहा है कि तुम तीनों हम दोनों से बच पाओगे, तो नामुमकिन है, क्योंकि अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है और क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है, तभी वहाँ पर एक शेर आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरी माता के मंदिर में क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। तभी इविल नन बोलती है, तुम कौन हो और तुम अब कहाँ से आ गए। वो शेर बोलता है, मैं दुर्गा माँ का भेजा हुआ निंजा शेर हूँ जो कि तुम लोगों को मारने आया है और इन चारों को बचाने आया है, तो अब तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि दुर्गा माँ का निंजा शेर बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को बचा लेगा
या फिर इविल नन और मिस्टर मीट की काली शक्तियाँ दुर्गा माँ के निंजा शेर को भी हरा देंगी। ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय माता दी।